जम्मू से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर चक विभूत गांव है ये, और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। 1947 के बाद यहाँ आके बस गए थे, और बस तो गए थे लेकिन कोई हक हकूक इन्हें नहीं मिला, जम्मू कश्मीर की पूर्ण नागरिकता नहीं मिली। लेकिन पिछले साल 2019 5 अगस्त को जब धारा 370 ख़त्म करने का ऐलान हुआ था और धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद यहाँ के लोगों की उम्मीद जागी थी। और जिस तरह से PRC ख़त्म किया गया, डोमिसाइल आया, और यहाँ के बच्चों की जो हकीकत ये थी कि 10th के बाद वो लोग पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि PRC चाहिए होता था स्कूल्स आगे 12th करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो ये इलाका जो है बिल्कुल जम्मू से 10 किलोमीटर दूर का बिल्कुल पिछड़ा रह गया, यहाँ के लोग आगे बढ़ नहीं पाए। और सबसे बड़ा कारण यही रहा कि 47 के बाद भी आने के यहाँ इनको कोई हक नहीं मिला, कोई राइट नहीं मिला, और यहाँ के लोग जो थे वो पिछड़े ही रह गए। अब जब धारा 370 को पूरा एक साल होने को आ रहा है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी क्या थी और क्या अपेक्षाएं थी, इस पे हम थोड़े लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि ठीक है, एक साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे जब धारा 370 तोड़ी गई थी, तब से लेकर अब तक इनकी ज़िंदगी कितनी बदली है ये इन लोगों से ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका भाई, क्या नाम है थोड़ा? सोनलाल। सोनलाल जी भाई, दसो 370 टूट रहे एक साल हुई है पूरा, के कुछ जिंदगी में फर्क, कुछ चेंज होया, कुछ बदलाव आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क सन भी है, रल गया भी चलो दुनिया के नाश भी रल गया, इन जिन्हें पहले है नहीं ही, साढ़ा कोई बच्चा स्कूल नहीं पढ़ी सकता, कोई जमीन नहीं ले सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई मोटरसाइकिल गड्डी नहीं ले सकता। ते हुन ये जिहड़ा नवे बनाए कागज बदले हुंदे ने, साढ़ा भी बनू, मतलब जिहड़े नवे कागज डोमिसाइल जिहड़ा तुस आख रहे हो बना रहा है, ते डोमिसाइल बनने दे बाद उम्मीद जागी गई कि अस भी बच्चे भी थोड़ा दुनिया कन्नै रल लेंगे। ते किन्ने लोकें हले तक डोमिसाइल दा इत्थे फार्म भरना शुरू कीते, कुछ लोकां ने इधर लोक भरे ने, केईं भरा दे ने, केईं बनवाई लेने, किश करा दे ने। अच्छा, और कोई सरकारी नुमाइंदा इस पूरे एक साल दे विच तुहाडे कोल कोई आया? कोई अपनियां गवर्नमेंट राशन थोड़ा थोड़ा दे दी है, फ्री दिंदी है थोड़ा थोड़ा, जिहड़ा कोई पैसे खाते कोई जनानी ने 500 पाई उड़िया बस इ'यां। हाँ, ते जेह्ड़ा कोई बेचारा कोई बजुर्ग बंदा उसी 1000 रुपया महीना पेंशन लगी, बस हून लगा थोड़ा सर चला। हाँ, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर गांव के। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भारतराज। भारती मुझे बताइए, ये जो चक विभूत गांव है यहाँ पर कितने घर हैं जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के? इधर तो सभी घर जितने भी हैं कोई 20-25 घर हैं, ये सभी रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी हैं। 47 के बाद इतने साल हो गए, 70-72 साल जम्मू कश्मीर के, आप लोगों को राइट नहीं मिला, और 10 किलोमीटर है जम्मू से सिर्फ ये जगह, पिछड़ा इलाका रह गया। क्या वजह मानते हैं कि अगर यही कागज़ पत्र पहले बन गए होते तो ये आज इलाका भी कुछ और होता, आप लोगों की ज़िंदगी कुछ और होती? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो बोलते थे हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ते थे। तो ज़्यादातर बच्चे 10th के बाद क्या करते थे यहाँ पे, 10वीं के बाद? 10वीं के बाद बड़ी मुश्किल से 10वीं पास करते थे, बड़ी मुश्किल से, वो भी बस ऐसे ही लापरवाह रहते थे कि पढ़ के क्या करना है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे पढ़ के हमें। तो अभी धारा 370 टूटे हुए एक साल हो रहा है, तो कुछ बदलाव आया जिंदगी में? अभी तो शायद पता नहीं चलेगा, अभी आस्ते आस्ते आगे बदलाव जरूर आए। तो वो जो बच्चे हैं वो लोग डोमिसाइल बनाने की अपनी प्रक्रिया में फॉर्म भर रहे हैं? हाँ हाँ, भर रहे हैं अभी। तो ये चक विभूत गांव है, यहाँ पे तमाम जो आबादी है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की है। एक गांव और है रामबाग, वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर, जम्मू सिटी से 10 किलोमीटर के दायरे में ये गांव आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ खास डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है। चक भूपत गाँव के बिल्कुल साथ का ये गाँव है, और यहाँ की बात करें तो ये मंडल, इसकी तहसील आती है, इसको रामबाग कहा जाता है। और यहाँ पर भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के कई घर हैं, कई यहाँ परिवार रहते हैं। धारा 370 टूटने के बाद इन लोगों में क्या तब्दीली आई है? ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है, मोहनलाल का डोमिसाइल भी बन गया है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बन गया है। ये तभी मुमकिन हुआ जब धारा 370 को हटाया गया। इससे पहले कई इनके लोग आगे नहीं बढ़ पाए, बच्चे जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, वजह यही थी कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कागज़ नहीं थे, जम्मू कश्मीर के पूर्ण नागरिक नहीं थे तो हायर एजुकेशन भी नहीं ले सकते थे और सरकारी नौकरियां भी नहीं ले सकते थे, और सबसे बड़ी बात ये हायर एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर पाते थे बहुत सारे बच्चे। धारा 370 टूटने के बाद आपके हाथ में ये कागज़ पत्र हैं,
पूर्णतः आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, भारत के अब भी पूरे नागरिक बन चुके हैं। कितनी बदलाव आया ज़िंदगी में इस एक साल में जब से धारा 370 टूटी है आपकी? सर इसका हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पहले भी मीडिया वाले आते थे, जिन्होंने हमारे इस जो हमारा मुद्दा था इसको बहुत हाईलाइट किया। तो हमारे प्रधान श्री लबराम गांधी जी ने इसको यानी कि आपके पार्लियामेंट तक पहुँचाया, मोदी जी से साथ डिस्कस हुई, तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत तन मन धन से लिया और बहुत यानी कि जो संघर्ष करके इसको यानी कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, और उसने उन्होंने भी संज्ञान लिया और ये यानी कि जो बदलाव आया, पहले जो 5 साल थे वो ऐसे निकल गए, जब दोबारा प्रधानमंत्री जी आए तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसको पहले यानी कि नंबर पर लिया, प्रायोरिटी पर रखा, और जो दफा टूटी तो हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर के दूसरे बड़े नेता थे वो लगातार इस बात को कहते रहते थे कि 370 से छेड़छाड़ की तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन 370 एकदम से तोड़ दी गई। तो आप लोगों के लिए एक जो एक बाधा थी खड़ी हुई, जिससे बिल्कुल ही आप लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, पिछड़े आप लोग बिल्कुल बन के रह गए हुए थे, जबकि जम्मू यहाँ से बिल्कुल दूर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर ही है। तो क्या समझते हैं कि अगर राजनीतिक मंशा हो तो बड़ी से बड़ी अड़चनों को दूर करके भारतीयों का, लोगों का विकास किया जा सकता है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है? सर पहले ऐसे तो सर जो भी सरकारें आती थी वादा करती थी, लेकिन जब हमारी बारी आती थी रिफ्यूजियों की तो कोई इस पर संज्ञान नहीं लेता था, ऐसे ही टाल मटोल होता था, आज करेंगे कल करेंगे ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन कोई कुछ भी ऐसा करता नहीं था। इसलिए हमारे जो जैसे हमारे पिताजी इधर आए सेटल हुए, उनकी ज़िंदगी बीत गई, मेरी भी अब 60 साल उम्र पूरी हो गई है, अभी 60 ही 61 लगा है, तो हमारी भी ज़िंदगी बीत गई, मैंने 76 का मैटर किया हुआ है, बच्चियां थी मेरी, अभी उनकी सबकी शादी कर दी है, वो भी पढ़ी लिखी थी तो बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी लगा कर पढ़ाया, और मैंने खुद के वी एस सी ट्रेनिंग की है उसमें, उसके बाद मैंने के वी एस सी में काम किया, लेकिन स्टेट सेलेक्ट ना होने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो जी बहुत दुख होता था, अभी हम इतना दुख बयान भी नहीं कर सकते क्योंकि उम्र बतीत हो गई है। अब हमें इससे ये जब दफा टूटी तो हमें एक आशा बन गई कि अब हमारा कुछ बनेगा, हमारा नहीं तो क्या बनना है, अब जो बच्चे हमारे उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे और बहुत सारे अभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनके भी ये डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, वो भी अभी कतारों में हैं, या फिर कई लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, कागजी कार्रवाई है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे या कोई हम तक मदद पहुँचेगी, वक्त लगेगा अभी। तो सबसे बड़ी बात ये, आपको क्या लगता है कि अभी जो बाकी लोग हैं जब तक उनके जब तक पूरी तरह नहीं बनते तब तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं वो उस बैकवर्ड जो एक शब्द है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक उनके पूरे सबके कागज़ नहीं बनेंगे? सर ऐसा है, कुछ लोग ना ऐसे सोचते हैं कि जो भी कामयाब हमने बनवाए हैं, हम 3 भाई हैं, ये हमारा एक पड़ोसी है, हमने थोड़ी दौड़ धूप की पहले, जैसे भी इंप्लीजेंट की इसका ऑर्डर निकला था ना तब से हमें कोशिश कर रहा था, लॉकडाउन के पहले हमने बोतल से निकाल के रखी, सब कुछ किया और कागज़ जो थे हमने अपने कंप्लीट करके दिए, तहसील में दायर किए, उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद ये मिल गया, हमारे डॉक्यूमेंट यानी कि सही थे। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि घर बैठेंगे और जाएंगे कहीं जाएंगे नहीं, कोई कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे बनेंगे, हिम्मत तो करना पड़ेगी। साफ तौर पर तब्दीली आने में वक्त लगता है, और जिस तरह से धारा 370 हटी है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थी उनकी यही एक उम्मीद थी कि उनकी ज़िंदगी अंधकार में थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब इस प्रक्रिया में हैं, इस रास्ते पर हैं जहां वो आगे बढ़कर पूर्णतः जम्मू कश्मीर के नागरिक, भारत के नागरिक बन सकते हैं, जिस तरह से इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बड़े हैं वही बनवा रहे हैं। लेकिन अभी भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए और बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं उन गांवों में, उन गलियों में अभी भी डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी वो सब कुछ नहीं मिला है जो कि बाकी जगहों में जो यहाँ के नागरिक हैं उनको मिला है। लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार डेवलपमेंट होती क्या है और हमें उसका आखिरकार पता कैसे चलेगा कि कब और किस तरह से होती है। विजिलेंस पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, जम्मू।